नमस्कार, मैं कृष्ण आर्या और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आज काड़वा खाप के अध्यक्ष का चुनाव है और चुनाव जो है ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में पूरा बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा और काड़वा खाप के अध्यक्ष दिलबाग कुंडू जी को एक बार फिर दोबारा चुना गया। पेश है एक पूरी रिपोर्ट। इस शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरे काड़वा बारा का बहुत बहुत धन्यवाद और एक निवेदन पूरे काड़वा बारा के साथियों से, नौजवानों से, कि जब इस तरह की बातें होती है कि जब दो प्रधान की स्थिति आती है, हर जगह छींटाकशी का माहौल होता है, जैसे उस दिन पंचायत में भी था। आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल एक टंगी खड़ा होकर किसी के प्रति एक शब्द भी जो कड़वास भरे हो वो नहीं कहना है। फिर तो फायदा है, आपने मेरे को एक मत से प्रधान बनाया, जे किसी के प्रति भी एक शब्द आपने उल्टा कह दिया तो मेरा इस्तीफा समझना और उस बात का तो फायदा ही नहीं। फिर हम रक्षा क्या करेंगे पंचायती प्रमुख की। और एक बार फिर पुनः आप सभी का धन्यवाद। भाई मैं SHO रविंद्र डांडा पिल्लू खेड़ा बारह तपा काड़वा के ऊपर आया हूँ और आप सभी लोगों का शांतिपूर्वक रूप से यहाँ बैठने पर आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। भाई आप लोगों ने कोई भी लाइन और ड्यूटी, कोई भी ऐसी सिचुएशन यहाँ नहीं हुई भाई जिससे आप लोगों को किसी पुलिस बल की जरूरत पड़े। सेकेंडली, तपा खाप ये सभी चीज़ें भाईचारे को जोड़ने के लिए होती हैं, तोड़ने के लिए नहीं होती हैं। जैसे मैंने यहाँ अंदर एंट्री करी तो एक व्यक्ति विशेष ने मेरे को ये कहा, भाई असली प्रधान ये है। भाई अपना अपना है, सारे असली हैं। किसी व्यक्ति विशेष को बारे में कोई ये ना कहे भाई वो असली है वो नकली है। अपने 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 समाज एक अपने अपने समाज के अंदर जिसकी जिसमें आस्था है उसको मानो, उसको चुनो। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है, भाई आप लोग कोई भी ऐसा वैसा वाद विवाद ना करें भाई जिससे पुलिस को आप लोगों के बीच में आना पड़े। आप लोगों ने शांतिपूर्वक अपना चुनाव किया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम आपको बता दें कि काड़वा खाप का जो अध्यक्ष का चुनाव है आज दोबारा फिर हुआ था। जिस तरह पंचायत गांव में पंचायतों में चुनाव हुए थे, ठीक उसी तरह जो काड़वा खाप के बारह गांव के लोग वहां पे गांव घुराड़ में मौजूद थे और हमारे बीच में प्रधान जी बैठे हैं। प्रधान जी से बात करेंगे कि आज 6 साल से जब आप प्रधान थे तो आज ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी कि जिसे आज इलेक्शन दोबारा करवाना पड़े। नमस्कार जी। हाँ जी, ये 6 साल में दोबारा चुनाव का काड़वा बारा तपा का नियम है जी। लेकिन कुछ लोगों ने जो पीछे चुनाव हुए थे पंचायत के और जिला परिषद के, उनको मुद्दा बना करके टाइम से पहले ये पंचायत इकट्ठी करने की कोशिश की। 12 तारीख को पिल्लूखेड़ा मंडी में पंचायत हुई, जब उसमें उनको लगा कि काड़वा बारा पुनः दिलबाग सिंह को प्रधान बनाने जा रहा है, तो उन्होंने पंचायत की मर्यादाओं को भंग करते हुए पूरी की पूरी पंचायत को किडनैप करने का काम किया और वहाँ झगड़ा करने लगे। जब लोग ये चुनाव सामाजिक व्यवस्था का चुनाव है, ये चुनाव धक्का मुक्की का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सामाजिक जो न्याय की हमारी प्रणाली है ग्रामीण भारत की सदियों से जो चली आ रही है उसको जिंदा रखने के लिए और गरीब और मजलूम को बिना खर्चे सस्ता न्याय देने के लिए स्थापित की गई थी। अगर इस तरह के चुनाव भी धक्का मुक्की से होंगे तो सामाजिक व्यवस्थाएं हमारी बंद हो जाएंगी। जब वहाँ झगड़ा शुरू हुआ, जो काड़वा बारा के गाँव थे उन्होंने उससे किनारा कर लिया और उसके बाद लगातार उनको समझाने का प्रयास भी एक कमेटी जो कि 14 तारीख को गठित की गई थी, रमेश सिंह रोहा प्रधान सिंह रोहा खाप की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने भी पूरा प्रयास किया कि ये भाईचारा खराब ना हो। जब वो लोग कुछ मुट्ठी भर लोग
अपनी बात पड़े अड़े रहे, तो उन्हें आज फिर शिव मंदिर उरायण में एक पंचायत का आयोजन किया गया और एक बार फिर मुझे दोबारा इस जो सामाजिक ताने बाने का एक छोटा सा पद है इसको उन्हें मेरे को उस पर नियुक्त किया। प्रधान जी, आज जो चुनाव था उसमें पूरी की पूरी कमेटी पहले वाली रखी है या बदला हुआ है? नहीं, उसमें जो आम तौर पर जब भी पंचायत होती है गांव हर गांव से चुनिंदा लोग होते हैं कि वो ही किसी भी फैसला चाहे किसी भी प्रकार का हो वो उन्हीं के जिम्मे रहता है जी। वही लोग जो कमेटी में थे एक आध उनमें बदलाव हुआ होगा, ना तो वही कमेटी रहती है हमेशा। जब भी किसी प्रकार का फैसला हो, चाहे प्रधान पद का हो, चाहे भाईचारे के किसी के लेन देन का विवाद हो, लोग वही रहते हैं। प्रधान जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप दूसरी बार चुने गए जी, तो लोगों में आपने आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं देखी जिसे आपकी कमेटी पूरी की पूरी आज दोबारा वही चुने गए जी? देखिए, प्रधान किस लिए है? एक गरीब आदमी किसी झगड़े में उलझ जाता है और चाहे मामला थाने का हो, चाहे कहीं दूर उसकी कहीं रिश्तेदारी में कोई झगड़ा हो गया हो, वहाँ जाना होता है और जब तक हम उसकी बात को सही ढंग से रख प्रेजेंट नहीं करते हैं, लोग पंचायत को बता नहीं पाते हैं, तो वो समस्या का समाधान नहीं होता। मेरा और मेरी कमेटी का हमेशा से प्रयास रहा है हम अपनी बात को अच्छे तरीके से लोगों को समझा पाएं, और मैं और मेरी कमेटी पहले भी इसमें कामयाब रही। दूसरी बात, जैसे आम तौर पर थाने में जब कोई मामला चला जाता है तो वहाँ बहुत से लोग दलाल टाइप लोग बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें तो पैसा लगेगा। जब से मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है तब से किसी भी मामले में एक रुपए का भी लेन देन थाने से नहीं हुआ, तो वहाँ भी हमने प्रशासन को हमेशा सच्ची बात बताई है। सच्ची बात बताने से वो लोग भी समझते हैं कि ये सच्ची बात है और ये सही से फैसला भी हो गया है, तो उसमें पैसे कहीं चलता ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं रहती। दूसरी बात है, मैं चाहे पंचायत 100 किलोमीटर हो, चाहे पंचायत 400 किलोमीटर हो, मैंने अपनी गाड़ी में कभी किसी से तेल नहीं लिया। अब एक गरीब आदमी जब उलझ जाता है उसकी समस्याएं वैसे ही बहुत हो जाती हैं और ना उसके पास गाड़ी होती है, फिर या प्रधान बोल दे कि चलो गाड़ी लेके आओ, वो किराए पर गाड़ी लाएगा। ये भी मेरी मैंने कोशिश करी कि किसी का एक पैसा भी मैंने खर्च नहीं होने दिया कभी। प्रधान जी, जिन लोगों के मन में कुछ शंका थी या किसी के बहकाने से आगे थी, आप उनको और बाकी समाज को आज क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मामला चाहे किसान आंदोलन का रहा हो, चाहे उससे पहले ये जाट आरक्षण का भी एक बार पीछे जब मेरी ड्यूटी पीछे लगी थी प्रधान की, तो उस टाइम भी मैंने एक बात बोल दी थी, देखिए जाट आरक्षण की बात है, अच्छी बात है, मैं भी जाट बिरादरी में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी भी मांग है, लेकिन एज कड़वा तपा का प्रधान मैं उस आंदोलन में सीधा हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि मैं 36 बिरादरी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व मेरे जिम्मे नहीं है, तो इस तरह की बातों से मैं दूर ही रहा हूँ हमेशा। प्रधान जी, जैसे आज सचो साहब भी आए जी, उन्होंने कहा था कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नशा पत्ता से समाज को थोड़ा बचाएं, इसके बारे में मतलब अपने खाते क्या सब? देखिए, एसएचओ साहब को शायद किसी ने आज शिकायत दी थी कि वहाँ पंचायत हो रही है और कानून व्यवस्था वहाँ खराब हो सकती है जी। लेकिन जब एसएचओ साहब आए तो कमेटी ने प्रधान पद का चुनाव की घोषणा कर दी थी और पगड़ी पहना दी गई थी, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इतने शांतिपूर्ण ढंग से हुई कि कहीं लगा ही नहीं कि एक आदमी भी इसके खिलाफ। तो एसएचओ साहब इस बात के लिए पंचायत का धन्यवाद करके गए कि आपने बड़े अच्छे ढंग से इस काम को पूरा किया। बहुत बढ़िया। आपने दिलबाग कुंडू जी को सुना है जो दोबारा फिर अध्यक्ष बनाए गए हैं, हमारे बीच में है सुभाष शर्मा जी जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं बारा खाप के, उनसे बात करवाएंगे। आपका शुभ नाम एक बार दोबारा बताइए। सुभाष जी, आज दोबारा फिर जो समाज का सेहरा कहते हैं या समाज की जुम्मेवारी कहते हैं आपको फिर दी है, तो इसके बारे में
कि आप कैसा खरा उतरेंगे और समाज को भाईचारा सिर्फ एक बढ़ा के रखेंगे, थोड़ा दो बातें कही। हम जो भी हमारे शहीद मान सम्मान दिया है भाईचारे को, जो 14 गांव 12 गांव का तो हम इस जो अपनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर लाई गई है उसको पूरी तरह से निभाएंगे। आज 14 के 14 गांव के लोग वहां थे, मैं भी मौजूद था और मैंने वीडियो में दिखाया भी है, तो पूरे सर्वसम्मति से बिल्कुल सहमत थे। हाँ, पूरे सहमत थे। ठीक है, आपका शुभ नाम जी? नंबरदार जी, आपका गांव कौन सा? कड़वा। तो आज जो चुनाव हुआ तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ। तो आपने, आपसे छोटे हैं दिलवाज जी, तो आपने इनके अंदर ऐसी क्या खासी देखी कि मतलब पूरा के पूरे 12 के 12 गांव के साथ खास का घंटा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके गांव के पूर्व लोग यहां आए हुए थे, गाड़िया की गाड़िया थी, तो आपके जो गांव के लोग थे उनके मन में इनके प्रति क्या था कि मतलब ये कैसे आदमी है? देखो, मैं ये मानता हूँ और हमारे समाज में ये मानता, सर्वगुण जो संपन्न हो जाता है वो तो भगवान ही है। तो उनके बाद जो दूसरा दर्जा हम देते हैं अपने गांव समाज के हाथ में, वो हमारे जो बारा या जो खापे हैं उनके प्रधान को देते हैं, क्योंकि वो 36 बिरादरी को लेकर चलने का काम करते हैं और उनके न्याय का, जैसे बहुत ऐसे मामले भी हुए हैं जो पुलिस प्रशासन या फिर प्रशासन नहीं सुलझा पाता, तो इसी को समक्ष लेकर आज पंचायत हुई थी, उसमें हमारे जो श्री गुरुपाल सिंह सिद्धू हैं उनको दोबारा 6 साल के लिए प्रदान किया गया है, और हमें पूरा विश्वास भी है, और जो हमें पहले इनके 6 साल का ये काम देखा है वो बहुत ही नेक और स्वस्थ जो बिना ताक का रहा है। ठीक है, और उम्मीद की पूरी जो आगे के लिए है कि ये इससे भी बहुत अच्छा अपना कार्यकाल से सम्मान चलाएंगे। ठीक है जी, आपका शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम संतराम आर्य है, मैं गांव का। आर्य जी, जो आज ये पूरी की पूरी पंचायत थी, आप ऐसी पंचायतों में पहले कितने बार शामिल हुए? जैसे आज चुनाव का, आपका चुनाव ये मेरी पहली बार। अच्छा, तो आपको कैसा लगा? बहुत चुनाव जो आज अध्यक्ष चुने गए हैं उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? दिलबाग जी गरीब के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, हम देखते हैं अगर किसी को भी अपना साधन की जरूरत है या फिर कुछ भी पैसा देना कोई जरूरत है समय साथ, और कहीं भी आधी रात को भी यहाँ पर आकर व्यक्ति उनको उठा सकता है, तैयार रहते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आपने देखा है कि आज पूरा का पूरा कार्यक्रम हमने दिखाया, यहाँ पे कुछ लोगों की ये भी मंशा थी कि जो ये बैठक है इसको भड़काया जाए या मतलब आपस में लड़ाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो जो दो चार आदमी ऐसे थे उनकी वो सफल नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पे 12 गांवों के पूरी पंचायत थी, बड़े सूझबूझ वाले व्यक्ति थे जो कि समाज में किसी भी तरह का झगड़ा जो प्रशासन नहीं सुलझा सकता उसको सुलझाने वाला ये जो कड़वा खाप है, पूरे सभी के सभी लोग थे। और फिर किसी ने ये ब्रेड के सामने आपके सामने पेश होंगे, मैं कृष्ण आर्य जी।